कथाएं तो बहुत हैं, देखिए कुछ कुछ हम चुनकर ला रहे हैं कहीं कहीं से, कुछ कुछ कथाएं हो सकता है वो बहुत अधिक रोचक न भी हों पर उपदेशात्मक हैं, स्तुत्यात्मक हैं। वे सारी कथाएं ऐसी हैं जो जो जीवन के मैदान में हमें जयी बनाते हैं, क्योंकि जीवन युद्ध जैसा है, रोज ही तो लड़ना है। और हमारी सारी गाथाएं युद्धों की गाथाएं हैं। राम का चरित्र युद्ध का चरित्र है, कृष्ण का चरित्र युद्ध का चरित्र है, महादेव का चरित्र युद्ध का ही तो चरित्र है। तारकासुर हो या अनेक असुरों का नाश, जो महादेव है समाधि का देवता, वो असुरों के नाश के लिए ही तो प्रकट हुआ है। राम निश्चरहीन करहुं मैं भुज उठाए प्रणकीन, युद्धों का ही तो इतिहास है। राम ने कितने युद्ध लड़े, कृष्ण युद्ध का इतिहास है, और भैया दुर्गा भी युद्ध का ही तो इतिहास है, युद्ध में ही तो दुर्गा का जन्म हुआ है। एक युद्ध हमारे भीतर चलता है, अज्ञान की व्यूह रचना, हमारी कामना वासनाएं स्प्रहाने, हमारी कामनाओं का अंध सैन्य दल, हमारी दुर्बलताएं हमें पराजित कर देती हैं। एक भीतर में भी द्वंद्व युद्ध चलता है, द्वंद्वों का आघात संघात चलता है। जिसने अपने द्वंद्व और दैन्य जीत लिया, जिसने अपने भीतर के अज्ञान को जीत लिया है, भैया वही जयी है। चंड मुंड सुमन सुम महिषासुर के वध करने के लिए दुर्गा का आह्वान किया गया, जो दुसाध्य है, दुर्गम है, दुर्लभ है, दुस्तर है, उसके लिए सब देवताओं ने अपना तेज दिया। पराम्बा प्रकट हुई, वह खंग मंग पाश भेरी भिंदी पाल लेकर प्रकट हो गई, वह रक्त बीज चंड मुंड सुमन सुम महिषासुर धूम्र लोचन अति सौम विडाल, और भंडासुर का वध करने के लिए काली छिन्न मस्तिका ज्वाला अथवा वो विविध रूप धारण कर चामुंडा, ऐसे पराम्बा प्रकट हो गई, लेकिन भीतर के तेज से निकली, जो हमारे देव अंश थे देवताओं के, वे समुचित हुए, एकीकृत हुए, एक जगह वो संगठित हुए। पराम्बा ने हुंकार भरी और शुंभ का निशुंभ का वध कर दिया, अहंकार का। कहते हैं विष्णु पराजित हो गए थे शुंभ निशुंभ से महिषासुर के सामने, अथवा चंडमुंड के भी सामने, अज्ञानता में। तो विष्णु भी जब सो जाता है तो वो मधु कैटअप पैदा होते हैं। अज्ञानता तो किसी का भी कल्याण नहीं करती है, प्रमाद ने कभी किसी का कल्याण नहीं किया है। प्रमाद वशात अपनी संपदा से हाथ धो बैठे देवता, नमुची वृषपर्वा पुलोमा बलि आदि ने आक्रमण किया और स्वर्ग पर उनका शासन हो गया। एक समय ऐसा आता है जब आप श्रमहीन हो जाते हैं, अब हो तो गया सब कुछ कर तो लिया, ऐसी एक अवस्था आपको निष्क्रिय कर देती है, निस्तेज कर देती है, अब बस वहीं के रह जाते हैं, फिर एक अलग चिंतन नहीं रह पाता, विचार नहीं रह पाता। और ऐसा तब होता है जब स्वाध्याय का अभाव हो जीवन में। अगली कथा में जाएं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, स्वाध्याय के प्रमाद को मृत्यु बताया है शास्त्र में। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं होना चाहिए। और स्वाध्याय के तीन अंग हैं, स्वाध्याय केवल पुस्तक पलटना नहीं है, स्वाध्याय के तीन अंग हैं, ग्रंथों का अध्ययन, मंत्र जाप और सत्संग। सत्संग भी स्वाध्याय का ही हिस्सा है, सत्पुरुषों की सन्निधि, महापुरुषों की नैकट्यता, उनके साथ अंतरंगता, यह स्वाध्याय का ही हिस्सा है। जप भी स्वाध्याय का ही हिस्सा है, ग्रंथ का अध्ययन भी स्वाध्याय का हिस्सा है। और ये तीनों चीज जब आपके साथ जुड़ जाएंगी तो इसका फलादेश जानते हो क्या है, सुधरने का मन करेगा, परिवर्तन मन करने का मन करेगा, रूपांतरण का मन करेगा,
तो अगर स्वाध्याय किया है अपने, सत्संग किया है और सुधरने का मन नहीं बनाए, तो समझ लेना गंगा में तो गए हैं, बस तन गीला हुआ है, मन को कुछ नहीं पता लगा। कुछ लोग नदी में गए तन गीला करके लौट आए, वो कब कैसे डुबकी लग रही है पता ही नहीं। हाँ उसका भी लाभ है, ऐसा नहीं, लेकिन स्वाध्याय कीजिए। अगर आपके पास स्वाध्याय का भाव है तो विकास रुक जाएगा, ठहर जाएंगे आप, प्रमाद घेर लेगा, बहुत नेगेटिविटी आपके आसपास होगी, दूसरे बुरे देखने लगेंगे और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, रस चला जाएगा, उत्साह चला जाएगा, जीवन नीरस और फीका सा हो जाएगा। जीवन के रस संचार के लिए एक नव सृजन और नव उमंग लाइए, नवाचार के लिए, इसे नया और रोज नया बनाने के लिए स्वाध्याय कीजिए। और स्वाध्याय के तीन अंग बताए हमने, ग्रंथों का अध्ययन, मंत्र जाप और सत्संग माने संत सन्निधि। इससे एक नव से चेतना का संचार होगा।